तो दिन की शुरुआत करते हैं वे स्केल के साथ और देखते हैं आज का वजन कितना है। सुबह सुबह में ये हो रखा है 70 किलो, एग्जैक्ट 70 kg, दैट्स अ गुड। तो दोस्तों आज से स्टार्ट होने जा रही है डे 13 की जर्नी और आई एम रेडी फॉर द जिम वंस अगेन। रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं, कल इतना खाने के बावजूद भी वजन है आज सुबह सिर्फ 70 kg, सो दिस इज अ गुड साइन ऑफ हार्ड वर्क कि भाई चलो मेहनत का फल मिल ही रहा है। जिम का वर्कआउट तो हो गया, अब शुरू करते हैं घर के वर्कआउट की तैयारी। लेकिन वर्कआउट से पहले पेट्रोल, कुछ फ्यूल तो चाहिए ना। इट्स अगेन हेल्दी ब्रेकफास्ट टाइम और आज मैं ले रही हूँ फिर से एक ग्लास पाइनएप्पल जूस। आज का पाइनएप्पल जूस ना रियल में इतना ऑसम टेस्ट है इसका, मतलब मैंने सोचा नहीं था। आज का पाइनएप्पल ना थोड़ा जूसी और थोड़ा सॉफ्ट लग रहा था, तो मैंने मतलब मुझे डर लग रहा था कि ये पर कहीं खराब ना हो ऐसा, पर इसका जूस मतलब टेस्ट इतना ऑसम है क्या ही बताऊं मैं आपको। फाइनली अभी बजा है दोपहर का 1 और सुबह मैंने पाइनएप्पल जूस पिया था, पता नहीं फिर भी क्यों 1 बजे में ही मुझे आज भूख लग गई है, तो मैंने मेरे खुद के लिए बना ली है ये बियर और मैं जा रही हूँ इसे खाने और इसी के साथ जाएगी 1 कप ब्लैक कॉफी। मुझे ना जनरली स्पाइसी फूड अच्छा लगता है, इसलिए मैंने आज इस बियर के अंदर ना एक हरी मिर्च ही काट के रख दी है। इतना बढ़िया टेस्ट लग रहा है ना हरी मिर्च का, लाल मिर्च की एक अपनी जगह है बट हरी मिर्च उसकी कॉम्पिटिशन कोई नहीं। पता है मैं अभी कहाँ जा रही हूँ? मुझे पता चला है ना कि एक नज़दीकी ज्वेलरी शोरूम में आज फ्री मेहंदी सेशन है, तो मैंने सोचा कि ना मैं भी थोड़ी अपने हाथों पर मेहंदी लगवा लूँ, तो वहीं जा रही हूँ मैं ताकि मेरा अच्छा खासा दोपहर का टाइम भी निकल जाएगा, मेरे हाथों में फ्री की मेहंदी भी लग जाएगी और ज्वेलरीज की नई डिज़ाइन भी देखने को। अगर मैं आपको बता रही हूँ ना कि मेरा दोपहर का टाइम निकल जाए इसलिए मैं वहाँ जा रही हूँ, तो ये मत समझना कि मैं फ्री हूँ, काम बहुत है मेरे पास। तो अब ना मैं आ गई हूँ फ्री मेहंदी सेशन वाले ज्वेलरी शोरूम कैरेट लेन में और ये देखिए यहाँ पे क्या बढ़िया माहौल सजा के रखा है इन लोगों ने। मेहंदी लगवाई जा रही है, समोसे खाए जा रहे हैं, गपशप हो रही है, मतलब क्या माहौल सेट करके रखा है। पर इतनी भीड़ देख के मुझे लगा ना कि मेरा नंबर आने में पक्का टाइम लगने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना तब तक मैं ज्वेलरी के डिज़ाइंस देख लूँ, बटरफ्लाई डिज़ाइंस, सफायर कलेक्शंस, ये प्यारे प्यारे पैरोट और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के डिफरेंट ज्वेलरीज, इतनी प्यारी डायमंड की ईयरिंग्स तो देखिए आप, ये डेलिकेट हैरी पॉटर सीरीज के ज्वेलरी और ब्रेसलेट्स, डेलिकेट से लेके हैवी ईयरिंग्स और ब्रेसलेट्स की रेंज भी इन लोगों ने डिस्प्ले में ही लगा के रखी है। मतलब ये मॉडर्न ईयरिंग्स देखिए कितनी प्यारी ज्वेलरीज है और डायमंड की तो ना इन लोगों ने पूरी डिटेल दे रखी है कि अगर आप पहली बार खरीद रहे हो तब भी आपको समझ में आ जाए कि कौन से शेप के डायमंड्स को क्या कहते हैं और कैसे खरीदते हैं। और इतना बढ़िया लंबा चौड़ा कलेक्शन हो रखा है यहाँ पर डिस्प्ले में ही कि मतलब ज्वेलरी परचेज करना कितना आसान हो जाता होगा ना यहाँ आने वाले कस्टमर्स को। तब तक ना ये अब मेहंदी लग चुकी थी उन सभी बहनों के हाथों में और मुझे लगता था कि अब मेरा नंबर आना ही है। उतने में मेरी नज़र पड़ी इन प्यारे प्यारे मंगलसूत्र और नेकलेस के डिज़ाइंस पे और हुप ईयरिंग्स का तो इतना बढ़िया कलेक्शन हो रखा है यहाँ पे। और ये हुप ईयरिंग्स पहनने में ना कोई झंझट भी नहीं होती पेच लगाने की, बस पहन लिया और आप रेडी। और इतने में मेरी नज़र पड़ी डायमंड के नेकलेसेस पर, इतने बढ़िया बढ़िया डेलिकेट से लेकर हैवी नेकलेसेस है यहाँ पे। मुझे लगता है इन नेकलेसेस को ख़रीदने के लिए तो ना तगड़ी रकम चाहिए होगी। और ये आ गया मेरा नंबर, मैंने ना मेहंदी ना लगवाते हुए करवा लिया टैटू, माय मूड स्विंग्स। और फिर मैंने देख ली कुछ फिंगर रिंग्स ट्राई कर ली और जिसमें से एक फिंगर रिंग मुझे ना बहुत पसंद आ गई पर डायमंड था तो मैं ले नहीं पाई, मेरे घर पर डायमंड लेना नहीं होता है। पर इतने प्यारे आइसक्रीम वाले ईयरिंग्स ये मैं कैसे छोड़ सकती थी, फाइनली इसको तो ना मैंने खरीद ही लिया। और जाते जाते दो टॉफी तो बनती है। नाउ इट्स अ डिनर टाइम और डिनर के लिए आज मैंने पता है मेरे लिए क्या बनाया है, पनीर बिरयानी, लेट मी शो यू। और अब जा रही हूँ मैं इसे खाने। तो चलिए अब रात को सोने से पहले फिर से एक बार चेक कर लेते हैं वजन। ये सुबह था 70 kg, बिल्कुल राउंड फिगर, और अभी ये हो गया है 70 kg 600 ग्राम। तो इसी ब्लूपर के साथ आज की जर्नी हम यहीं ख़त्म करते हैं और कल सुबह फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।